जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कदम ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनावों में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा, जिससे जहां मतदाता अपने डाले हुए मत की पुष्टि कर सकेगा, वहीं इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने चुनावी ड्यूटी में तैनात समस्त कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे अपनी ड्यूटी को पूर्ण निष्ठा तथा तत्परता से निभाएं। उन्होंने कहा कि जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दो दो मॉडर्न मतदान केंद्र होंगे, जहां पर महिला कर्मचारियों को ही चुनावी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में स्वीप अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदान की महत्ता तथा चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करने के प्रति प्रेरित भी किया जा रहा है, ताकि शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिए दूसरा पूर्व अभ्यास 2 नवंबर, तीसरा 6 नवंबर तथा चौथा व अंतिम पूर्व अभ्यास 7 नवंबर को करवाया जाएगा, ताकि इस दिन चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को चुनावी मटेरियल प्रदान कर ड्यूटी के लिए रवाना किया जा सके। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिला के 36 भोरंज, 37 सुजानपुर, 39 बड़सर और 40 नदौन में भी विधानसभा चुनावों के अंतर्गत चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज का जो ट्रेनिंग है वो ज्यादातर इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग है। आप सबने क्योंकि ट्रेनिंग की है तो आप सबको ईवीएम किस तरीके से काम करता है, आपको कौन सी डायरीज भरनी होती है, स्टैचुटरी नॉन स्टैचुटरी कवर्स कैसे बनाने होते हैं, ये सारा बताना होगा। यह जो ट्रेनिंग है ये ज्यादातर रिवीजन के तौर पर देखी जानी चाहिए। इस बार जैसे कि आप सबको विदित है, एक जो चीज है वो एक्स्ट्रा है, वो है वीवीपैट। और उसी की वजह से ही भी हमारी इस बार जो पोलिंग स्टाफ रहेगा उसकी संख्या काफी मात्रा में बढ़ी है, क्योंकि उसके लिए एक अलग सा बंदा लगेगा। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, क्योंकि आप सबने ये ड्यूटी करी है, आपको पता है ये काम तो सिंपल होता है पर गंभीर होता है, तो कृपया आप इस गंभीरता को समझें और जो भी ट्रेनिंग आपको दी जा रही है उसको उसी गंभीरता से करें, क्योंकि अगर पोलिंग के दिन कोई दिक्कत आती है तो स्पॉट पे आप ही होते हो, आप ही को सुलझानी पड़ती है। हम मदद भेजते हैं पर वो मदद आने में हो सकता है थोड़ा बहुत समय भी लगे, तब तक वहां पे जो वोटर्स होते हैं उनको संभालना समझाना आप ही का दायित्व होता है, आप ही का कार्य होता है। और अगर आपको पूरी प्रोसेस की, आपके दायित्व की एवं आपके जिम्मेदारियों की सही जानकारी हो तो आप उन लोगों को सही तरीके से समझा पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, पर इस बार क्योंकि प्रथमतः हम वीवीपैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी सी जो ओवरऑल मशीनरी है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। पहले दो मशीन्स होते थे, अब तीन मशीन्स एक दूसरे को कनेक्ट करने हैं। और वीवीपैट एक ऐसा मशीन है जिसमें मैकेनिकल पार्ट है जो कंटिन्यूस रोल होते रहता है, तो कई बार उसमें दिक्कत आने की संभावना होती है, अलग अलग तरीके के एरर्स होते हैं जिसके बारे में आपको समझाया जा रहा है, आप सबको एक साथ समझाया जा रहा है। आप इसको जितना समझ सकते हैं उसका समझने का प्रयास करें। इसके बाद नीचे आपके काउंटर्स लगे हुए हैं, उन काउंटर्स पे ले जाके आपको हैंड्स ऑन कराया जाएगा, आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो कृपया उस प्रैक्टिस को भी आप गंभीरता से करें, तभी जाके आप कर पाएंगे। क्योंकि एक दो भी पार्टी फंस जाती है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी फंस जाती है। आप में से एक व्यक्ति गड़बड़ करेगा सभी 100, 200, 300, 400, 500 लोगों को